तो गाइस नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स कांस्टेंट और कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है, कि वेरिएबल्स कांस्टेंट और कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में क्या होते हैं, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, इनका क्या बिहेवियर होता है। तो पहले हमने क्या किया था, हमने सिंपल प्रोग्राम रन करके देखा था सी लैंग्वेज का, और आज के वीडियो में हम कीवर्ड कांस्टेंट और वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं सिंपल इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर दूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से अभी के लिए हटा देता हूँ या फिर इसको अभी रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वेरिएबल्स की बात करते हैं, ठीक है। वेरिएबल, एक वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जिस मेमोरी लोकेशन पे कोई वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। अब सिंपल सा एक एग्जांपल है, ठीक है, जैसे कोई कंटेनर है, आप किसी कंटेनर के अंदर कोई चीज़ रख देते हो, या फिर लेट्स सपोज आपका कोई सूटकेस होता है उसके अंदर आप अपने क्लोथ्स रखते हो, तो वो क्या है, वो जो सूटकेस है वो एक तरह से एक वेरिएबल समझ लो आप, जिसके अंदर आपने कुछ स्टोर किया है, ठीक है। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कोई हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो हमारे कंप्यूटर में किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, तो हम उस मेमोरी लोकेशन को जब कोई नेम दे देते हैं तो वो क्या होता है, वो नेम क्या होता है, वो एक वेरिएबल होता है, ठीक है। अब लेट्स से मैंने लेट्स से एक वेरिएबल लिया ए, ठीक है, इसके अंदर मैंने असाइन करवा दिया 10, इसके अंदर मैंने 10 असाइन करवा दिया। अब ये ए क्या है, 10 हमारा किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ होगा हमारे सिस्टम के अंदर, मैंने क्या किया उस मेमोरी लोकेशन को एक नेम दे दिया ए, ठीक है। तो जब भी मैं 10 को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा तो मैं उसको किस नेम से एक्सेस करूँगा, ए नेम से। और यहाँ पर एक काम हमें और करना पड़ेगा, अब इसकी हमें जो ए की हमें डेटा टाइप यहाँ पे बतानी पड़ेगी। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि हम उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। हम उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, या फिर हम उसमें फ्लोट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, या फिर उसमें कोई स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, या फिर कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम किसी वेरिएबल में कुछ डेटा स्टोर करते हैं तो उस वेरिएबल का हमें यहाँ पे डेटा टाइप भी मेंशन करना पड़ता है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ए में मैंने क्या असाइन किया, 10 असाइन किया। 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम सी लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इंट, ठीक है। इंट यहाँ पे क्या है, इंट है डेटा टाइप, मतलब कि ए की टाइप क्या है। ये कंपाइलर को बेसिकली बता रहा है कि ए किस टाइप का वेरिएबल है, या फिर ए में किस टाइप की वैल्यू हमने स्टोर की है, ठीक है जी। तो अगर हमें इसे प्रिंट करना हो तो हम इसको प्रिंट कैसे करते हैं, सी के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे %d, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा ए। %d का मतलब, अगर हम सी में अगर हम कोई इंटीजर वैल्यू को अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम %d लिखेंगे, ठीक है। %d लिखकर फिर हम उस वैल्यू को उसके कॉमा डालकर फिर हम वेरिएबल का नेम डाल देंगे। अगर मैं इसको सेव करूँ, ठीक है, सेव करके यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँ, तो सबसे पहले हम कैसे प्रोग्राम को चलाते हैं, मैंने आपको बताया था प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे GCC, उसके बाद लिखेंगे अपने प्रोग्राम का नेम। तो यहाँ पे मेरी फाइल का नेम क्या है, variable_constant, ठीक है, _keywords.c, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूँगा, इसको मैं पहले रन करूँगा, रन करूँगा तो ये हमारा कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा, ए दबाकर टैब प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे /a.exe आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपको ए प्रेस करना है, ए प्रेस करने के बाद आपको टैब प्रेस करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए 10 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ए में क्या प्रिंट हो रहा है, 10 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं कुछ स्ट्रिंग इसके आगे लगाना चाहूँ तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ value of a is equal to, और यहाँ पे equal to डाल दूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे %d जो हमने कॉमा कोट्स के अंदर लिखा है वो एक तरीके से a को ही डिफाइन कर रहा है, a की टाइप को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि a इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसलिए हमें यहाँ पे %d लिखना पड़ेगा। तो जब मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद इसको दोबारा से यहाँ पे हम इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है, इसको मैं दोबारा से कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के बाद फिर से मैं इसको ऐसे रन करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए आ रहा है value of a, तो ये हमें स्ट्रिंग भी यहाँ पे मिल रहा है।
ठीक है। तो ये हमारा जो वेरिएबल था ये हमारा इंटीजर टाइप का था, अगर लेट से इसमें मैं कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर कर दूँ, लेट से 7.10.7 कर दूँ, तो यहाँ पे अब मुझे इसकी टाइप भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इसकी टाइप चेंज हो चुकी है। पहले हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर करी थी, अब हमने डेसिमल वैल्यू स्टोर करी है या फिर फ्लोट वैल्यू स्टोर करी है। तो अगर आपका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट टाइप का है, तो यहाँ पे आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा, और फ्लोट लिखने के बाद जहाँ पे हमने परसेंटेज डी लिखा है आपको यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब हम फ्लोट टाइप का जो डेटा है उसको यूज़ कर रहे हैं। इसको अगर मैं सेव करूँगा, सेव करके दोबारा से इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद फिर से इसको मैं रन करूँगा, तो यहाँ पे ये देखिए अब ये फ्लोट वैल्यू दे रहा है हमें, ठीक है, 10.7.0000, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से परसेंटेज डी लिखूँ, या फिर यहाँ पे मैं इंट लिख दूँ, और इंट लिखने के बाद यहाँ पे परसेंटेज डी लिख दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंपाइलर को क्या बताया कि हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोट टाइप को, फ्लोट डेटा को सेव करवा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सेव करके रन कर कंपाइल करूँगा तो ये हमें एरर थ्रो करेगा, देखते हैं क्या एरर देता है। कंपाइल तो हो गया, इसको रन करके देखते हैं, इसने हमें एरर नहीं दिया, इसने क्या किया, इसकी टाइप कास्टिंग कर दी, ठीक है। टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिक होती है, इसने क्या किया, जो फ्लोट वैल्यू है ना उसको इसने डिस्कार्ड कर दिया, जो फ्लोट वैल्यू है इसने क्या किया उसको डिस्कार्ड कर दिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने इंट इसकी डेटा टाइप बताई है, लेकिन इसमें मैंने स्टोर क्या करा है, फ्लोट डेटा स्टोर करा है। तो इसने क्या किया, जब मैंने इसको यहाँ पे रन किया तो इसने क्या किया, जो फ्लोट टाइप की, फ्लोट टाइप 0.7 वैल्यू है, उसने इसको यहाँ से हटा दिया और सिंपल 10 ही हमें डिस्प्ले करवाया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैं 10 पास कर दूँ और यहाँ पे फ्लोट पास कर दूँ, फिर देखते हैं कि ये क्या करता है, ठीक है। फ्लोट पास कर दूँ और यहाँ पे मैं परसेंटेज एफ लिखूँ, एफ लिखने के बाद इसको दोबारा से सेव करूँ, सेव करने के बाद दोबारा से इसको कंपाइल करूँ, कंपाइल करने के बाद फिर से इसको रन करूँ, तो अब इसने देखिए ये क्या किया, इसने ऑटोमेटिकली ही इसके पीछे फ्लोट वैल्यू यहाँ पे डाल दी है 0.00000, ठीक है। हमने सिर्फ लिखा था 10, लेकिन हमने इसकी टाइप क्या बताई थी, फ्लोट, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली ही डेसिमल पॉइंट इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। मैंने पहले गलत बोल दिया, सॉरी, मैंने बोला कि ये एरर देगा, अब ये एरर नहीं देगा, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ही जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली ही उसकी टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है, डेटा की टाइप के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देता है, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पे लेट्स से इसमें करैक्टर वैल्यू देना चाहें, करैक्टर के लिए हमें यहाँ पे डेटा टाइप देनी पड़ेगी कैर, और ए के अंदर यहाँ पे लेट्स से अगर मैं सेव करूँ कैपिटल एस, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब ये करैक्टर टाइप है तो यहाँ पे मुझे सी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करके अब दोबारा से रन करूँ, सेव करके अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करूँ, कंपाइल करने के बाद फिर से इसको रन करूँ, तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज़ एस, ठीक है जी। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो प्रोग्राम में चेंज होती रहती है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 5 लूँ, ठीक है, और यहाँ पे इंट पास कर दूँ और यहाँ पे मैं इसके बाद यहाँ पे लिख दूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। ए में मतलब कि क्या असाइन कर दो, एक प्लस करके ए में असाइन कर दो, तो यहाँ मैं परसेंटेज डी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पहले ए में क्या है, 5 है, फिर 5 में एक प्लस कर दिया हमने, ए में 6 चला गया, तो इसको अब रन करके देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो ये इसने हमें एरर दे दिया, ओके। एरर क्यों दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे कोलन नहीं लगाया, तो ये हमें सिंटैक्स एरर दे देता है ऐसे। इसको दोबारा से रन करूँ, दोबारा से कंपाइल करूँ, कंपाइल करके दोबारा से रन करूँ, तो यहाँ पे अब ए की वैल्यू ये देखिए 6 आ रही है, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो आई थिंक मैं आपको वेरिएबल समझाने में सफल रहा, आपको अच्छे से समझ आया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं सी के अंदर और ये कैसे काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कांस्टेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो हमेशा सेम ही रहती है
ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब तक हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, जो कॉन्स्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू सेम ही रहती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी लेट्स से अगर मैं इसके आगे कॉन्स्टेंट डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट इंट ए इज इक्वल टू 5, आप कॉन्स्ट इसके बाद भी लगा सकते हो, कॉन्स्ट इंट के बाद भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। अब जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अगर मैं इसको पहले कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देता हूं, मैंने लिखा कॉन्स्ट इंट ए इज इक्वल टू 5, मतलब कि मैंने इंटीजर टाइप का एक कॉन्स्टेंट डिफाइन किया है जिसमें मैंने वैल्यू क्या असाइन की है, 5। अब अगर मैं इसको रन करूँ, सबसे पहले ऐसे ही इसको कंपाइल करूँ, ठीक है, इसको कंपाइल करूँ, कंपाइल करने वाले इसको रन करूँ, तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आ रहा है, वैल्यू ऑफ़ ए इज़ 5, ठीक है, वैल्यू ऑफ़ ए इज़ 5 ये हमें प्रिंट हो रहा है। अब लेट से अगर मैं इसमें एक इंक्रीमेंट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें एक इंक्रीमेंट कर दूँ तब देखते हैं कि हमें ये क्या वैल्यू देता है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, इसको दोबारा से कंपाइल करूँगा, तो जैसे ही मैंने कंपाइल किया अभी हमें एरर दे रहा है। देखिए एरर ये हमें क्या दे रहा है, ये बोल रहा है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए। अब ये बोल रहा है कि आप ए में कुछ वैल्यू राइट नहीं कर सकते, ये एक रीड ओनली वेरिएबल है। रीड ओनली का मतलब कि एक बार हमने जो भी वैल्यू इसमें असाइन कर दी वो ही रहेगी, क्योंकि हमने क्या किया, इसको एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है। अगर हम किसी वेरिएबल को एज अ कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं तो हम उसमें कोई दोबारा वैल्यू असाइन नहीं करवा सकते, अगर हमने एक बार जो वैल्यू असाइन करवा दी वो ही रहेगी, उसमें नई वैल्यू असाइन नहीं करवा सकते, क्योंकि ये क्या एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट भी आपको समझ आ गया, कॉन्स्टेंट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे अगर मैं कैर कॉन्स्टेंट लूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, कैर में हम यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू दे देंगे, लेट से मैंने स्मॉल टी यहाँ पे असाइन करवा दी। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू असाइन करवाऊँगा, ठीक है, टी के अंदर, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ, अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ और यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊँ तो ये प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई भी एरर हमें नहीं मिलेगा। इसको पहले कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद इसको रन करूँगा तो हमारा ये देखिए वैल्यू ऑफ ए इज़ टी यहाँ पे आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको इसमें कोई और वैल्यू असाइन करवा दूँ, लेट से ए के अंदर मैं यहाँ पे कैपिटल ए असाइन करवाऊँ, ठीक है, ए के अंदर कैपिटल ए असाइन करवाऊँ तब हमें ये एरर देगा। इसको मैं पहले कंपाइल करूँगा तो ये देखिए ये फिर से वही बोल रहा है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टेंट हो गए। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स बेसिकली एक वैल्यूज ही होती हैं, लेकिन ये डिफरेंस ये होता है कि जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो प्रोग्राम की लाइफ टाइम में चेंज होती रहती है, लेकिन जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है वो पूरे प्रोग्राम के लाइफ टाइम में सेम ही रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड्स हमारे, ये हम यूज़ कर ही रहे हैं। कीवर्ड्स का मतलब कि एक स्पेशल वर्ड जिसका कंपाइलर ने पहले से ही मीनिंग डिफाइन कर रखा है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते या फिर हम उसको किसी और तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। अब सपोज यहाँ पे मैंने ये जो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और ये कैर है, ये क्या है, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये पहले से ही कंपाइलर ने डिफाइन करके रखे हैं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्ट कीवर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी कॉन्स्टेंट वेरिएबल को डिफाइन करें तब हम इसका यूज़ करेंगे, और कहीं पे हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स से अगर मैं इसी में वैल्यू असाइन करवा दूँ कोई, अगर मैं इसी में वैल्यू असाइन करवाऊँ, ठीक है, तो ये हमें एरर देगा, तो ये हमें एरर देगा। क्या एरर देगा, अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करके इसको कंपाइल करूँ, ठीक है, तो इसलिए इसने हमें क्या किया, एरर दे दिया, ए अनडिक्लेयर्ड। ओके, ऐसा करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं, और अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ऐसे लिखूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट लिखूँ और यहाँ पे इसको सेव करके कंपाइल करूँ, तो ये देखिए इसने एरर दे दिया। ये देखिए इसने क्या बोला, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर कॉन्स्ट। तो ये बोल रहा है कि कॉन्स्ट क्या है, एक कीवर्ड है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, ये बोल रहा है इसके आगे कोई एक्सप्रेशन होनी चाहिए जिसको हम इवेल्यूएट कर पाएँ, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट क्या है, ये पहले से ही इसका मतलब डिफाइन कर रखा है हमारे कंपाइलर ने कि अगर हमें कॉन्स्टेंट डिफाइन करना है कोई वेरिएबल तो हम इस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, मतलब कि इसका पहले से ही जो मीनिंग है वो डिफाइन है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो जिस भी वर्ड का पहले से ही मीनिंग डिफाइंड है हमारे कंपाइलर के अंदर उसको हम बोलते हैं कीवर्ड, ठीक है। तो
तो ये जो भी हमारे जो भी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, लेट से जैसे जैसे हम इंट यूज़ करते हैं, इंट का मतलब कि हम एक इंटीजर नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। इंट ये क्या है, ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। अगर मैं फ्लोट कर दूँ, फ्लोट भी एक कीवर्ड है। नेक्स्ट जाके हम लूप्स पढ़ेंगे, फॉर, फॉर क्या है, ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। ये देखिए इसके इसका सिंटैक्स आ गया फॉर का, तो ये भी एक कीवर्ड है। तो ये सभी पहले से ही डिफाइंड हैं हमारे, ठीक है। कि ये फॉर आ गया, अगर वाइल हम यूज़ करें, वाइल भी एक लूप है, इसका भी पहले से ही मीनिंग डिफाइंड है हमारे कंपाइलर में, ठीक है। अगर मैं कुछ और यूज़ करूँ, लेट से ब्रेक, ये भी एक कीवर्ड है। तो ये हम सभी आगे चलकर इनको स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो जो पहले से ही वर्ड डिफाइंड है हमारे कंपाइलर के अंदर, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वेरिएबल्स, कीवर्ड्स और कॉन्स्टेंट्स का जो ये टॉपिक है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा।